Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we studied about the indifference curve. Indifference curve पे तो अपन क्या कर रहे थे? Study कर रहे थे भी, ठीक है? देखिए आप. Indifference curve को अपने show किया था और indifference curve जो है वो एक format अपने बनाया था. इंडिफरेंस कर्व का ये इससे में अपन ने क्या किया था, इंडिफरेंस कर्व के फॉर्मेट को रेडी किया था. देखो इंडिफरेंस कर्व जो है उसको अपन ने स्टडी किया था कि ये क्या करता है, टू प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है. इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, टोटल टू प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ये क्या करता है, स्टडी कर रहा है. और इसमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना. और सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन लेवल लेवल सेम, ठीक है. इसमें गुड्स गोन, ठीक है, गुड्स गोन एंड गुड्स टू, ठीक है. टू प्रोडक्ट्स के बेसिस पे क्या करता है, इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो टू प्रोडक्ट के की बेसिस पे अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. और ये सेटिस्फेक्शन लेवल इसमें क्या होना चाहिए, भी सेम होना चाहिए. इसकी अपने एक मीनिंग स्टडी किया था. इनडिफरेंस कर्व द कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर. ये क्या करता है, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को क्या करता है, भी शो करता है, जिससे कंज्यूमर्स को क्या होता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं, ठीक है. तो कंज्यूमर्स को क्या होता है, इक्वल सेटिस्फेक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं इसके थ्रू, इनडिफरेंस कर्व के थ्रू, ठीक है. इनडिफरेंस क्या करता है, शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिससे कंज्यूमर्स को क्या होता है, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल या सेम सेटिस्फेक्शन क्या होता है, प्रोवाइड होता है, ठीक है. अब क्या करते हैं अपन, इसमें इसके कुछ फीचर्स को क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे, ठीक है. इनडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर्स है, उसमें अपन जो फर्स्ट फीचर्स है वो देखो आप क्या है. इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टू द राइट. इनडिफरेंस कर्व slopes down to the right. Indifference क्या करता है, slope down मतलब right side में क्या करता है, भी movement करता है, ठीक है. Indifference curve जो होता है slope down to the right, it means ये क्या करता है, भी right side में क्या कर रहा है, movement कर रहा है, ठीक है. ये right side में जो movement कर रहा है उसका reason क्या है, भी कि to get one goods another good is reduced because the level of consumer satisfied must be remain the same. क्योंकि एक गुड्स के अगर अपने फर्स्ट गुड्स को क्या किया है, इम्प्रूव किया है, ठीक है, या एक अदर गुड्स की क्वांटिटी को अगर अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो अपना जो सेकंड गुड है या अनदर गुड्स है उसको अपने को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ठीक है. उसमें अपने को क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा, कमी करनी होगी, ठीक है. तो इट मीन्स ये है कि एक जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इसके अंदर अपन ने, ठीक है, वो क्या था, भी इसमें टू प्रोडक्ट्स थे अपने पास में, ए मील और क्लोथ्स थे, ठीक है ना. एक साइड पे तो अपन ने क्या लिया था, इसमें मील को या फूड को लिया था और वाई पे अपन ने क्लोथ को लिया था, ठीक है. अब क्या है, भी इसमें अपन क्या करेंगे, भी स्टार्टिंग लेवल में तो क्या था, भी जितनी भी यूनिट थी, जो भी अपने पास में जो कंज्यूमर्स का लेवल जो था वो क्या था, भी इसमें कंज्यूमर्स को स्टार्टिंग में जो फूड है उसकी कितनी यूनिट मिल रही थी, भी 1 यूनिट, ठीक है. और क्लॉथ की 12 यूनिट्स को वो क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, ठीक है. बट उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, भाई कि क्लॉथ की जो क्वांटिटी है उसको तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और फूड की जो क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है. तो उस कंडीशन से क्या हो रहा है, ये जो अपना इंडिफरेंस कर्व है ये राइट साइड में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. इंडिफरेंस कर्व जो है वो राइट साइड में स्लोप क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फूड को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्लॉथ में अपने को क्या करना होगा,
रिडक्शन करना होगा, उसको डाउन करना होगा, डिक्रीज करना होगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन मतलब फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपने को क्लोथ्स में क्या करना होगा, डाउन करना होगा, उसको डिक्रीज करना होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, राइट साइड में इंडिफ्लेंस का क्या कर रहा है, स्लॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना फर्स्ट इसका फीचर होता है, ठीक है। फर्स्ट फीचर्स क्या है कि इनडिफरेंस कर्व होता है वो राइट साइड में क्या कर रहा है, स्लॉप कर रहा है, ठीक है। और वो क्यों कर रहा है कि फूड के प्रोडक्शन को या फूड के कंजप्शन को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्लॉक का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा, भी सेम होगा, ठीक है। क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इससे क्या कर रहा है, राइट साइड में क्या कर रहा है, स्लॉप कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका तो हो गया कि ये फर्स्ट फीचर्स क्या है, इनडिफरेंस का रूल स्लॉप्स डाउन टू द राइट, ठीक है। स्लॉप्स डाउन टू द राइट, राइट साइड में क्या कर रहे हैं, अभी स्लॉप डाउन कर रहा है, ठीक है। सेकंड है इसका द इनडिफरेंस का रूल इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हाँ देखो क्या होता है, किस वजह से होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। आपको देखा होगा आपने अपनी एक टेबल बनाई थी, ठीक है। उस टेबल में मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट जो थी 0.6 एंड 2.1, ये अपनी क्या थी, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट, ठीक है। तो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट डाउन हो रही है, ठीक है। ये इसमें जो चेंजमेंट हो रहा है इससे क्या कर रहा है अभी, ठीक है। उससे ये क्या होता है कि इसका ये सेम लेवल जो है इंडिफरेंस कर होगा, ये शो कर रहा है, ठीक है। वो किस उसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि इंडिफरेंस जो अपनी मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इंडिफरेंस कर रहा है और राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, सेकेंड पॉइंट होता है ड्यू टू द डिक्रीजिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। जो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट है वो डिक्रीज हो रही है, तो उस वजह से क्या कर रहा है, राइट साइड में मूवमेंट, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड फीचर से इसका इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। इंटरेक्ट ईच अदर का मतलब कि इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो क्या नहीं करते, भी कट नहीं करते, मतलब एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मीन्स क्या हुआ, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या करते हैं, सेम लेवल को क्या करते हैं, शो करते हैं टू प्रोडक्ट्स के, क्योंकि इसमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसमें टू जो अपने इंडिफरेंस कर रहे हैं वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को इस तरह से मतलब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अगर अगर इंडिफरेंस कर रहे वो क्या है कि राइट साइड में है, तो उससे क्या होगा, अभी मोर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर लेफ्ट साइड में है तो उससे क्या होगा, मिनिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल की जो होता है इसमें इक्वल होता है, इसी रीजन से एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को जो है ये टच नहीं करेंगे, ओके। तो इनडिफरेंस कर्व का क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरेक्ट द more satisfaction provide करता है, ठीक है। Highest indifference का जो है वो lowest के comparison में क्या करेगा, more satisfaction provide करेगा, more satisfaction
हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व और फॉर ए कंपैरिजन ऑफ लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व को अपन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जो अपना हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो लोवेस्ट के कंपैरिजन में क्या करता है, मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट है, वो फूडो या जो क्लॉथ है, इनसे उनके उनसे उनको क्या मिलेगी, यहाँ पे मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा. ठीक है, तो जो ऊपर मतलब जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होगा वो लोअर के कंपैरिजन में क्या करेगा, वे मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगा. ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये इसका क्या है, नेक्स्ट फीचर्स होता है कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइडिंग मोर सेटिस्फेक्शन देन कंपैरिजन ऑफ लोवेस्ट कंपैरिजन, लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व, लोवेस्ट के कंपैरिजन में हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. क्योंकि ये क्या होता है, इसका एक हाईएस्ट लेवल होता है, यहाँ पे कंज्यूमर्स को क्या होता है, मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स, इसका मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स. देखो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी क्या नहीं करता है, एक्स एक्स या वाई एक्स को टच नहीं करेगा. ठीक है, न तो वाई एक्स को टच करेगा न एक्स एक्स को टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट को क्या करता है, टच करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल को लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया, फूड हो गया है, एंड सेकेंड प्रोडक्ट है अपना क्लॉथ. इसमें अपन ने एक और डिफरेंस लिया है 10, 20, 30, 40, ठीक है, एंड 50, ये अपना 50 लेवल हो गया. ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो वाई एक्स के एक्स एक्स को क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा. इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एंड वाई, ठीक है, ये क्या नहीं करेंगे, x x को टच नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसका एक रिकॉग्नाइजेशन है, इसमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें बहुत प्रोडक्ट्स को अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ठीक है, बट अगर एक ये अगर y x को टच करेगा या x x को टच करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पे जैसे क्लोथ का तो 50 हो रहा है बट फूड का लेवल क्या रहा है, जीरो. तो ये क्या है, इसकी रिकॉग्नाइजेशन इसके क्या है, अगेंस्ट है. ठीक है, इसकी जो मान्यता है, इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, इसके लिए क्या होगा, अगेंस्ट होगा, क्योंकि इसमें टू प्रोडक्ट्स होना कंपल्सरी होता है. तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का जो लेवल हो गया या एक प्रोडक्ट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहा है, जीरो. तो जो इसकी वो क्या है, इसकी रिकॉग्नाइजेशन इसके क्या है, अगेंस्ट होगा. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी एक्स एक्स या वाई एक्स को टच नहीं करेगा. ठीक है, क्यों नहीं करेगा टच, क्योंकि वहां पे एक प्रोडक्ट, एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो इसकी रिकॉग्नाइजेशन के क्या होता है, अगेंस्ट होता है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट हैव टू बी परफेक्टली पैरेलल. हाँ, परफेक्टली पैरेलल, देखो इसमें क्या बोल रहा है, पैरेलल का मतलब एक तरह से इक्वल होना. ये बोल रहे हैं कि जो टू इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक तरह से पैरेलल, इक्वली पैरेलल, मतलब एक दूसरे के एकदम समान होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये बोल रहा है कि ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, कि वो क्या नहीं होगी, एक दूसरे के सिमिलर. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, टू इंडिफरेंस कर्व एक मतलब सेम टू पैरेलल, इट मींस क्या हुआ कि ये कंज्यूमर की बिहेवियर और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करेगा. टू इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंट सेटिस्फेक्शन बट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिस्टेंस बिटवीन शुड ऑलवेज बी सेम. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम रहे, ये कंपल्सरी नहीं है. ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बट इनके जो बीच का जो गैप होता है ये इक्वल हो, ये कंपल्सरी नहीं है. ये किस पर डिपेंड करता है भाई, बिकॉज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स एंड कंज्यूमर मेंटेलिटी.
ठीक है, ये किसको डिपेंड करेगा, कंज्यूमर के बिहेवियर और कंज्यूमर की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो गैप है वो किस टाइप का होगा, ठीक है ना, सिमिलर गैप होगा या इनमें क्या होगा डिफरेंस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ड्यू टू कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या करेगा ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर किस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, ठीक है, और इनमें जो भी गैप होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है, या फिर से सिमिलर होगा या नॉट सिमिलर होगा, ठीक है, ये कुछ भी डिपेंड करेगा कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सिक्स मैंने आपको क्या किया है, इनडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया है। फर्स्ट आपको बताया था कि इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टू द राइट, इनडिफरेंस कर्व क्या करता है राइट साइड में क्या करता है स्लोप डाउन करता है। सेकेंड है द इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड आपको बताया इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, टू जो इनडिफरेंस कर्व है वो डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ईच इनडिफरेंस कर्व शो इक्वल सेटिस्फेक्शन, सो इफ द सेकेंड इनडिफरेंस कर्व लाई अबाउ द फर्स्ट इनडिफरेंस कर्व इट विल शो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हर एक क्या करता है सेम करता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व लोअर के कंपैरिजन में क्या करता है अभी सेटिस्फेक्शन मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था वो था ईच हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व शो द ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन द लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व, तो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है वो लोअर के कंपैरिजन में मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना था वो था इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इंडिफरेंस कर्व होते हैं तो ना तो वाई एक्स को टच करेंगे ना एक्स एक्स को टच करेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा शून्य होगा, तो इसके लिए वो क्या है इसके रिकॉग्नाइजेशन के क्या होगा अगेंस्ट होगा, ठीक है। और लास्ट जो था वो था अपना द टू डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व डू नॉट हैव टू बी प्रॉपर परफेक्टली पैरेलल, ठीक है, कि टू इंडिफरेंस कर्व का जो बीच का जो गैप है, ठीक है, ये इक्वल हो, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर्स के बिहेवियर और उसके नेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें जो इनडिफरेंस कर्व का जो मिडिल का जो गैप है वो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है, ये कंज्यूमर बिहेवियर और उसके नेचर पर क्या करेगा डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में एक ये तो हो गए इसके फीचर्स, ठीक है, अब देखिए आप अगला एक टॉपिक है इनडिफरेंस मैन, इनडिफरेंस मैन, देखो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप का देखो इसमें बोल रहा है इंडिफरेंस मैप प्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये क्या होता है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, जिसमें क्या होगा बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को इंक्लूड करे या ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इसको ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व is called indifference map, indifference map, ठीक है, हाँ, group of indifference curve is called indifference map, ठीक है, जो indifference curve का जो group होगा उसको अपन क्या बोलेंगे indifference map बोलेंगे, ठीक है, which is concerned with the overall consumption and behavior of consumer, ठीक है, जो क्या करता है कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कंज्यूमर्स बिहेवियर के ऊपर क्या करेगा डिपेंड करेगा, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ठीक है, इंडिफरेंस मैप किसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप्स को अपन क्या बोलेंगे इंडिफरेंस मैप कहेंगे, ठीक है, ओके। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर,
optimal choice of the consumer. Optimal choice of the consumer. देखो एक डायग्राम से देखो क्या होता है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को कहां पर एक तरह से मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है वो अपन देखते हैं। देखो ये क्या है कि कंज्यूमर की बजट लाइन है, ठीक है, आपने बजट सेट और बजट लाइन को स्टडी किया है, ठीक है। ये क्या होता है कि कंज्यूमर की बजट लाइन को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो ये क्या है कंज्यूमर की क्या है बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन ये क्या होती है कंज्यूमर की बजट लाइन होती है। और ये अपना क्या है डिफरेंस कर, ठीक है। तो कंज्यूमर का ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कहाँ होती है भी, मतलब कंज्यूमर की बजट लाइन होती है, ठीक है, उसको जो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट और इंडिफरेंस कर जो है वो जो टच करके निकल रहा है, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर रहा है वो बजट लाइन को क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसको ऑप्टिमल ये कंज्यूमर्स का क्या ऑप्टिमल चॉइस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है भी ऑप्टिमम या फिर मैक्सिमम क्या मिल रहा है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये उसका बजट है और उस बजट में वो क्या कर रहा है एक तरह से बहुत प्रोडक्ट्स की गुड फर्स्ट की भी और गुड सेकंड की भी क्या कर रहा है मोर क्वांटिटीज को अचीव कर रहा है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर का क्या होगा ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर होगा, पॉइंट होगा यहाँ पे कंज्यूमर को मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके बजट का क्या हो रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर यूज हो रहा है। तो ये इसका अगर अपन मीनिंग लें तो इसका मीनिंग क्या होगा द हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व दैट पासेस टचिंग द कंज्यूमर बजट लाइन इज कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या होता है मतलब जो हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या कर रहा है पासेस टचिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कंज्यूमर टू बी मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन एंड फॉर दिस ही विल ट्राई टू रीच द मैक्सिमम इंडिफरेंस लेवल। जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं इस लेवल पे क्या करते हैं एक तरह से जो उनका हाईएस्ट लेवल होता है इंडिफरेंस लेवल के हाईएस्ट लेवल को टच करना उनका क्या होता है मेन टारगेट होता है, ठीक है ना। एवरी कस्टमर वांट टू टच हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, फ्रॉम हिज बजट लाइन, ठीक है, वो अपनी बजट लाइन से हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को क्या करते हैं टच करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है उनका एक तरह से कंज्यूमर्स का ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स होता है, ठीक है, ये उनका हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे कंज्यूमर्स को मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये अगर इसके नीचे होगा तो यहाँ पर क्या होगा उसका प्रॉपर यूज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे उनको मोर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर नीचे वाले को अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा और ये इनके बजट की क्या है आउट ऑफ बजट, ठीक है। यहाँ पे तो उनकी बजट का क्या है अगर ये डाउन वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो डाउन वाला जो इंडिफरेंस कर रहे हैं उसको अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अगर हाईएस्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या इनके आउट ऑफ बजट है, मतलब इनके बजट से क्या है बाहर है, ठीक है, तो इसको वो क्या नहीं कर सकते सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके बजट के अकॉर्डिंग ये जो इंडिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे इनको क्या होगा भाई एक तरह से ये
इनका ऑप्टिमम चॉइस होगा, कंज्यूमर्स का ऑप्टिमम चॉइस पॉइंट होगा जहां पे इनको मोर सेटिस्फेक्शन क्या होगा प्रोवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि क्या था भी ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कि वो मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल्स का जो क्या कर रहा हो भी बजट टाइम पे क्या कर रहा हो टच करके निकल रहा हो या टच कर रहा हो तो वो कंज्यूमर्स का क्या होगा ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा या कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया अपना इंडिफरेंस कर्व जो है उसका जो टॉपिक है वो अपना फिनिश होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना यूटिलिटी का, ठीक है। यूटिलिटी का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम जाकर स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट्स।